बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सास बहू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैं उठ गई थी, नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है और अब भी बज चुके हैं 5:30। ये नमाज़ पढ़ के सो गए हैं दोबारा से क्योंकि अभी बाहर अंधेरा था। तो मैं उठी हूँ, अम्मी जी भी उठ गई हैं। अम्मी जी ने लगाई है मक्खन निकालने के लिए मशीन, जो उनका काम है। और मैं चाय रख के आई हूँ चूल्हे के ऊपर, तो चाय बनाती हूँ साथ में अपने बहन भाई के साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं, बहुत काम है आज। और क्योंकि हमने मिलाद पाक भी करवाना है तो मिलाद से पहले की तैयारियाँ जो है ना वो भी सारी करनी है। तो कौन से काम है इंशाल्लाह वो भी हम सब अपने बहन भाई के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ओह, बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये चादर हिल रही है, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हवा चल रही है। आँख मेरी बुझने वाली थी, अगर टाइम पे ना आती तो। पानी का बॉयल आ चुका है और अभी मैं इसके अंदर दूध ऐड कर देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है जी। यहाँ पे मेरी चाय जो है ना बन रही है और चाय की पत्ती मैंने ऐड की है, चीनी जब बॉयल आएगा तब ऐड करेंगे। और ये जी रहा मेरा ब्लैक कप, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है, ब्लैक एंड वाइट। तो यह जो मेरा कप, मैं इसमें हल्की सी चीनी ऐड करके ना चाय अपने लिए इस कप में निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले तो कभी चाय पी नहीं है लेकिन अब मजबूरी है, वो भी मैं हल्की चीनी वाली चाय पीऊँगी। कल अम्मी जी ने मुझे दी थी एक कप चाय, तो वो इतने ही ज़्यादा चीनी उसमें ऐड की हुई थी तो वाह, मैंने तो फिर पी नहीं। तो फिर मैंने सुबह सुबह मेडिसिन खानी होती है ना, तो इसकी वजह से मतलब मैंने केक वगैरह या फिर डबल रोटी वो खानी होती है, उसके से मतलब वही मेरा नाश्ता है। तो पहले तो मैंने कभी नहीं पी, सिर्फ मजबूरी है कि मैंने मेडिसिन खानी होती है तो इसलिए फिर मैं ना सुबह सुबह कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो ये है मेरा कप ब्लैक कलर का, मेरा बास गए थे तो मुझे ये पसंद था तो उन्होंने बोला कि ले लो ब्लैक जी। ये रहे केक और ये रही मेरी चाय और साथ में डबल रोटी, क्योंकि मैं कमरे में आ गई, बाहर बहुत ठंड है, हवा चल रही है तो आज तो सर्दी लग रही है। उठ जाओ तुम भी दोबारा तो सो गए हो, उठना नहीं तो उठ जाओ फिर, एक बार बंदा उठ जाए तो फिर कितों दोबारा नींद आती। मैं भी तो फिर उठ के काम लग गई तो बहुत सो 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 कितने। अरे सब तो पहले शेप करवाओ, समझ आई नहीं आई? चलो जेड़े भाई प्याज मशीन पे थे तो मैं अपना ना रगड़े जा के से नहीं हाँ की है। सुबह सुबह क्यों तंग कर दे पे, और जो चाय बना के आई है मैं बाहर पाई, नाश्ता कर लो, नाश्ता से ही करना, चाय कर ली पीनी, केक अच्छा ले लिया। अच्छा अच्छा जी, मेरी तो चाय ठंडी हो रही है, मैं तो करती हूँ गरम गरम चाय के साथ नाश्ता, डबल रोटी केक का। अगर किसी ने खाना है नाश्ता इस तरह का करना है तो प्लीज़ कम इन। अच्छा जी, अभी सुबह सुबह का टाइम है, सूरज नहीं निकला तो आज तो सारी बाहर की भी साफ़ सफाई करनी है और घर के भी काफ़ी ज़्यादा काम है, तो बाद में जाकर घर जाके झाड़ू लगाती हूँ, पहले दूध निकाल लें।
भाई प्याज का काम कहाँ तक पहुंचा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ सामने से। माशाल्लाह इस साइड से दिखाती हूँ, थोड़ा सा जूम करती है, देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त काम हो गया है माशाल्लाह। अभी इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ेगी जब कलर वगैरह होगा, टाइल्स आगे लगेगी तब। देखिए जी सुबह सुबह बास के काम से काम करवा रहे हैं। मैंने क्या हागा तुम खुद शौक का चाज कौन बस सीख, करो जी, चाज कौन सिखाया थोड़े माँ प्यो ने, सिखना चाहते हैं आके मेरे को कहते मैं सिखा दे या क्या हूँ, ये चाज नहीं आया सिखना चाहते हैं काम कर दा। नहीं जी मैंने एडा शौक भी नहीं मानता, समझ आई। मैं तो चार कटदा वैसे, कहते मैं टोटा भाई मैं कटने यार टोटा दिखा सर। फिर ना 100 रुपए दे चुड शाम में कड़ी सी कड़ी सी कड़ी कितने कड़ी सी, 2000 कड़ी बगा सर मैं कड़ी सी। अस्तगफिल्ला पूरा मांग बच होया सी चूठे, जिन्ना तो करवाने बत्तियां दा काट जिन्ना पीना हुंदा है तो अद्दा भी तक नहीं खलिया है जिन्ना तू पींदी है। मैं नहीं पीती दसो नाम पीवांगी तू पी, मैं तो ना पी पीने वास्ते रखिया जिन्ना दिल करदा पी, तो झूठ तो ना बोल ऐवी मेरे खिलाफ, ऐवी मेरे खिलाफ तवा रख दी आखी रख दी है काम कोई नहीं हो तेन वेली नू क्यों बोल ला हूं कैमरा हूं जबान ताला खोला के चलता करके सवेरे सवेरे काम कोई नहीं है आसान कर दी अपने वास्ते कर दे अपने पीने वास्ते चौंदी भी मजदा, मैं तो अपने गई का भी तरह कढ़ी मैं तो कढ़ता पैसे मेरा टोटा पा मैं करता हार कढ़नी वीडियो मेरी वीडियो बनाऊंगा ठीक है मशीन लगा हुई है कंबल वगैरह जो इसी कंबल थे ना वो मैंने भिगो के रखे मशीन में, इसको मैंने सिर्फ पानी में भिगो के रखे मशीन नहीं चलाई, अगर मशीन चलाऊ ना तो ये खराब हो जाएंगी मशीन में, मशीन में पानी खुला डाल दिया था ना तो अच्छे से डीप हो गए ये, या बास का दूसरे वाला मेरा वाइट वाला। तो अभी फ़िलहाल दोपहर का खाना बना लो, रोटी बना लो, रोटी बनाने के बाद जाना चारपाइयां भी धोनी है और साथ साथ में कंबल, शाम तक मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले दोपहर के लिए मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है तो रोटी बना लूँ, उसके बाद जो है ना इस साइड पर आ जाऊँगी, कंबल भी साथ साथ में धो लूँगी, तो साथ साथ में जो है चारपाइयां भी धो लूँगी जो रहती हैं। अच्छा जी रोटी मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए, अकेले रोटी बना रही हूँ मैं, अम्मी भाई उधर ही बाहर चारपाइयां का खाना खा रही है, पता समेट नहीं है। अब मैं कंबल दो चारपाइयां धो लो तो बाद में जो है ना एक चारपाई के ऊपर रखे कंबल साफ कर लो। लाइट और
ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਆਏ ਧੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤੋ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਫੁੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾ उनको धो के तो रख दी। अच्छा जी दो मैंने चार पैने धो लिए और ये साथ में कंबल भी धो लिया कॉप्स पे लेने पानी सॉफ्ट करती हूँ। जी लाइट तो चली गई मोटर की वजह से चली गई। चलो कोई नहीं अच्छा ये चार पाया हम धो रही हैं चलता क्यों नहीं पिया चल गया अच्छा जी वो कमर में धोगी चार पाँच चुपर रहती चुपे रहते साफ जगह नहीं है तो चार पाँच बाहर ले गए साथ में चार पाँच भी धोलूँगी और साथ में कमर भी है ना वो भी अच्छे से साफ हो जाएगा। इतना पाएंगे दो दिन तक भी ये कुछ नहीं होने का कंबल अल्लाह का शुक्र है कि चूहों से बच गई मेरी मशीन। थोड़ी देर लगा देते हैं
कंबल मैंने धो लिए हैं, खुश्क हो गए हैं। स्पिनर में मैंने सुखाए थे, ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहे जैसे धोए नहीं है मैंने। दो चार पैर धोई हैं अभी, वो दो सामने वाली रहती हैं तो एक बाहर है, तो लाइट चली गई है। मैंने यहाँ पे भाई फ्याज के कपड़े और साथ में भाई फ्याज की बेड की चादर जो है ना वो डाल दी है, सर्फ और डाल के। तो अब लाइट आ जाती है तो फिर धो लूँगी। मौसम आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो आवाज़ बोल रहे कि मुझे ना मुझसे अकेले से चारा जो है ना वो नहीं डलता जानवरों को, तो उठवा दें एक दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके। टाइम हो गया, हवा ठंडी चल रही है, मौसम तो आज बिल्कुल चेंज हो चुका है। हाँ जी पाला दे कले चुट्ठू, तो मैंने क्यों बुला आवाज़ दी थी, मैंने क्यों बुलाया सी, मैं चली भी जाना वापस, चली हाँ वेख लो, चलो सही है फिर। अच्छा जी ढूंढ बोल रहे हैं, जब मैं जब कैमरा में बंद करूँगी तो इन्होंने कहना कि हेल्प करें जी। अच्छा जी इधर में करो, इधर करो मैं। अच्छा जी कैसे लग रहे हैं आज, मैंने इनको बोल बोल के, क्योंकि जो देखने वाले बहन भाई थी ना वो कह रहे थे कि आवाज़ को बोलो को शेप करवाए, अपनी जो है ना वो क्लीनिंग करवाए तो ये कहते थे कि नहीं 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 मैं ऐसे ठीक हूँ। तो आज मैंने कह के तो इनकी शेप करवाई है। अच्छा चलो ठीक है, कैमरा मैं बंद करती हूँ। तो इन पल्ली कहते आज तो सारा कुछ ब्रेक पक्का होता है। चाचू बात।